जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में आपकी राशि के आज के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, राशिफल जान लेते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी और व्यापार से संबंधित आज का राशिफल। आय का कोई अप्रत्याशित स्रोत आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। बुराइयों या गलत गतिविधियों से दूर रहें और समझदारी से धन निवेश करें। आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है। भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है, ये बात आज आपके लिए बिल्कुल सही बैठती है। चिंता या तनाव हो सकता है, किंतु इससे घबराएं नहीं। अगर मुद्दे ना सुलझे तो उनके निवारण के लिए कुछ समय ले। व्यक्ति नकारात्मक बातों से जितना दूर रहेगा, खुशी से उतना ही नजदीक रहेगा। अपने जीवन में नकारात्मकता लाने वाले लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें, उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह बिल्कुल ना दें। कोई नजदीकी दोस्त आपका साथ देगा, ये दोस्त या आपका जीवन साथी या माता पिता भी हो सकते हैं। आज का दिन आपका काफी व्यस्तता में बीतेगा और जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए आज आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। आज के दिन लाभ के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। काम धंधे से संबंधित कार्यों में दिन भर किसी न किसी रूप में भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी। आज व्यापार के मामले में परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल देखने को मिल सकती हैं, थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको उतनी सफलता ना मिले जितनी आप चाहते हैं। नौकरी पेशा वर्ग के लोग बिजी ज्यादा रहेंगे। घर परिवार में किसी पुरानी बात पर थोड़ा बहुत हंसी मजाक के चलते नोकझोंक पड़ती हुई देखी जा सकती है, इसलिए बाड़ी पर संयम रखें। आज ऑफिस में किसी अधिकारी से या आपके बॉस से आपका व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप समझदारी से और कूटनीति से अपना काम निकलवा लें और अपनी बात उनको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें। और जो नौकरी पेशा वर्ग हैं, उनको किसी कर्मचारी की गलती से कोई नुकसान हो सकता है, किसी सहयोगी की गलती से कोई नुकसान हो सकता है और इसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ सकता है। पार्टनर को खुश करने के लिए कोई आज उपहार वगैरह आप दे सकते हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ में अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। आज का दिन थोड़ा अप एंड डाउन वाला रहेगा, जहां आपको धन के मामले में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जीवन में सुख दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। और ये भी ध्यान रखें कि सोच पर सफलता निर्भर करती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छे परिणाम भी पा सकते हैं, लेकिन अपने आप को शांत रखें और अनसुलझे मामले आज आपका अधिक समय लेंगे। इसके साथ ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए भी ये वक्त अच्छा है। दूसरों पर ज़्यादा निर्भर ना रहें, अपना पूरा ध्यान निवेश संबंधी गतिविधियों पर केंद्रित रखें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई या करियर से संबंधित किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा और मेहनत के अनुकूल परिणाम भी सामने आएंगे। अनावश्यक खर्चों की वजह से घर का बजट बिगड़ भी सकता है। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कुछ तनाव में रहेंगे। किसी रिश्तेदार के साथ वाद विवाद में ना उलझें, वरना संबंधों में खटास देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें और परेशानियां रहेंगी, लेकिन आप समस्याओं का हल भी निकाल लेंगे और आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी भी आपकी मदद करेंगे और आप उनकी मदद से ही कोई अपना अधूरा कार्य, अधूरा प्रोजेक्ट भी पूरा कर सकते हैं। व्यावसायिक तनाव को परिवार की सुख शांति पर हावी ना होने दें। परिवार के सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं के लिए आज आप शॉपिंग आदि भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। ध्यान रखें कि खर्चे ज़्यादा ना हों, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के दिन अचानक ही किसी घनिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात भी आपको प्रसन्नता देगी। पढ़ाई और करियर संबंधित समस्या का समाधान मिलने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे। इस समय आर्थिक कसमकस जारी रहेगी, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, जैसा मैंने पहले बोला है, बजट बनाकर चलें और अपने अंदर अहम की भावना ना आने दें, नहीं तो रिश्तों में खटास भी आ सकती है। युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ ना बर्बाद करें और अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा।
कार्य क्षेत्र में भरपूर मेहनत और योग्यता से अपना टारगेट हासिल कर लेंगे, लेकिन अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी जो फायदेमंद रहेगी, और व्यापारिक तनाव को परिवार की सुख शांति पर हावी ना होने दें, इन बातों का ध्यान रखें। साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा परिवार में एक दूसरे के सदस्यों के साथ, धन धान्य की प्रचुरता बनी रहेगी, आर्थिक सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा, करियर कारोबार सामान्य रहेगा, महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे और विभिन्न विषयों में बेहतर रहेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और कार व्यापार में विस्तार पर जोर रहेगा। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं और दान धर्म भी आज के दिन आप कर सकते हैं। आप मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यों में भी भाग ले सकते हैं, अगर आप उनसे जुड़े हुए कार्य करते हैं तो, और अगर जुड़े हुए कार्य नहीं भी करते हैं तो भी कुछ लोगों को सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिल सकता है। इससे आपको राहत का अनुभव भी होगा। आपको कई कामों में सक्रिय रहना पड़ेगा, लेकिन सकारात्मक बने रहेंगे। आप नई ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे। आज आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में लाभदायक दिन है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, मित्रों की तरफ से लाभ होगा और लेकिन उसके पीछे खर्च भी होगा। आपका दिन आनंद से परिपूर्ण रहेगा, परिवारजनों के साथ आपका मेलजोल बना रहेगा और वैवाहिक जीवन में अधिक निकटता रहेगी। धन लाभ और सम्मान में वृद्धि होगी और प्रतिस्पर्धा रखेंगे अपने व्यापारी के साथ या नौकरी करते हैं तो अपने सहयोगी के साथ। कारोबार से जुड़े मामले बनेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे, आर्थिक मजबूती बढ़ेगी, परस्पर विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, संकोच दूर होगा, स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा, सभी का भरोसा जीतेंगे, व्यापार में लाभ रहेगा, श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, यात्रा हो सकती है, संसाधन बढ़ेंगे, योजनाओं में तेजी आएगी, अवरोध दूर होंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, इच्छित लाभ बन सकते हैं, वरिष्ठों की सुने, पठन पाठन में रुचि रहेगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा, भाग्य का साथ आज के दिन आपको मिलेगा, करियर कारोबार में उत्साह रहेगा, महत्वपूर्ण प्रयासों में सक्रियता आएगी और प्रबंधन प्रशासन के कार्यों में सहजता देखेंगे, कारोबार में बेहतर रहेंगे और शुद्धता बढ़ेगी। आज महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे आप तनावग्रस्त और चिंतित हो सकते हैं। धैर्यशीलता में वृद्धि हो सकती है। दोपहर के बाद आपको उत्साहजनक परिणाम मिल सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या किसी संत से मुलाकात हो सकती है। इससे आपके मन को शांति और सुकून मिलेगा। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी ही आपका सच्चा साथी है। अपने किसी विशेष प्रियजन से बात करने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। वाणी की मधुरता बनी रहेगी, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और वाणी पर संयम बरतने से वाद विवाद की संभावना भी कम हो जाएगी। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा, इससे मानसिक तनाव रहेगा। पार्टनरशिप में मनमुटाव हो सकता है। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। पति पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेंगी। आपकी लव लाइफ के लिए दिन बिल्कुल अच्छा है, इसलिए आपको अपने प्रेम संबंधों में एक दूसरे से मिलने जुलने की जरूरत है और एक दूसरे से बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है कि शायद किसी उच्च अधिकारी के साथ ना बने, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप समझ और कूटनीति से अपना काम निकलवा लें। आप अपनी बात उनको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें और आप अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि आपको कूटनीति से पेश आना है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपको प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी निराशा मिल सकती है। आप अपने प्रेम के इजहार में घबराहट महसूस करेंगे। पार्टनर को खुश करने के लिए उपहार दे सकते हैं। आप हाल ही में अपने पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपने काम को और बेहतर बनाने के तरीकों पर गौर करेंगे आज के दिन। वैसे प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा है। जब आप दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर कोशिश करेंगे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। किसी से झगड़ा होने पर आप अपने हुए अपमान से परेशान होंगे। आज आपको कुछ ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है जो कि अनसुलझे और आपके लिए नए हैं। कुछ समय का इंतजार करें और शांत रहें। आपका पार्टनर आज कुछ अलग व्यवहार कर सकता है और आपका रिश्ता कुछ अलग मोड़ ले सकता है। कुछ यादगार और रंगीन पल आज आपके जीवन में आ सकते हैं। दिन की शुरुआत में आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन प्यार उनसे अधिक होने की वजह से बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिन अच्छे से कट जाएगा। जो लोग रियल एस्टेट वगैरह में निवेश करना चाहते हैं या जिन्होंने निवेश किया है, उनको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। विवाद मतभेद और दूसरों की आप में कमियां निकालने की आदत को नज़रअंदाज करें
आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह से आपका साथ देगा। नए ग्राहकों से बात करने के लिए बेहतरीन दिन है। अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं, आज आप नए विचारों में परिपूर्ण रहेंगे। आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा फायदा देंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा और सुखद पल साझा करेंगे, संबंध निभाएंगे, अपनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे, निजी मामले अनुकूल रहेंगे, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, मतभेद मिटेंगे। आज के दिन स्वास्थ्य की बात की जाए तो आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी। आज आप भावनात्मक रूप से खुश हैं, आप में आत्मविश्वास झलक रहा है, भाव सकारात्मकता से भरे हैं। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य निपटाने के लिए अच्छा दिन है। सफलता और पहचान मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, उसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आने पर तुरंत इलाज लें, थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ दिमागी काम ज़्यादा करने की वजह से सिर में थोड़ा भारीपन और थकान देखने को मिल सकती है। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनोबल ऊँचा रहेगा, अनुशासन रखेंगे, खान पान पर ध्यान देंगे, कोई तनाव भगाने वाली योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, सक्रिय रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो योग करें, तनाव से बचें, व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़ें तो अच्छा है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे आपकी राशि के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।